रायबरेली के डलहू में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन को जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली के पलटने की सूचना मिली, आनन फानन सभी घायलों को पुलिस ने CHC डलहू में भर्ती कराया। इसी दौरान एक महिला की हालत नाजुक होता देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्राली पर सवार एक ही गांव, जो डलहू कोतवाली क्षेत्र के जोहवा नटकी के रहने वाले थे, के द्वारा मूर्ति विसर्जित करके वापस घर आ रहे थे। एक ट्रैक्टर ट्राली में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग सवार थे, तभी डलहू फतेहपुर मार्ग पर बख्शी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के समीप ओवरटेक करने के चलते ट्राली पलट गई। ट्राली पलटते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। सूचना पर पहुंची डलहू पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डलहू पहुंचाया, जिसमें लवकुश 12 पुत्र कमलेश की रास्ते में ही मौत हो गई थी। घायलों में किरण 40 वर्ष पत्नी शत्रुघ्न, अनुराग 13 वर्ष पुत्र शत्रुघ्न, शकुंतला 55 वर्ष पत्नी कमलेश, खुशी 13 वर्ष पुत्री ओम प्रकाश, उर्मिला 28 पत्नी राकेश, आदित्य 8 वर्ष पुत्र राकेश, प्रियंका 15 वर्ष पुत्री रमेश, ओमी 12 वर्ष पुत्री शत्रुघ्न, दीपांशी 12 वर्ष पुत्री ओम प्रकाश, उमा 18 वर्ष पुत्री कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं एक महिला की हालत ज्यादा गंभीर होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आइए देखते हैं SK इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से डलहू से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। घटना घटी उसके बारे में बता दीजिए। जोहर नटकी से मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ लोग ट्रैक्टर सवार होकर डलहू घाट में गए थे। मूर्ति विसर्जन होने के उपरांत लोग वापस आ रहे थे। ड्राइवर स्पीड से चला रहा था, ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रैक्टर महिंद्रा DI ट्रैक्टर पलट गया है। पलटने से एक लड़का लवकुश, उसकी उम्र 12 वर्ष, उसकी डेथ हो गई है और कुल 13 लोग इंजर्ड हैं और सबकी स्थिति नॉर्मल है और ड्राइवर अरेस्ट हो गया है और कार्रवाई की जा रही है। नाम है आपका? छेदीलाल गुप्ता। कहाँ रहने वाले हैं? जोहर की। ये जो हादसा हुआ है, क्या जानकारी है, कैसे? ये हमारे घर के बगल का। कैसे, क्या मामला था इनका? ये मूर्ति विसर्जन करके वापस जा रहे थे घर को। अच्छा, मूर्ति विसर्जन करके ये लोग घर को वापस जा रहे थे। तो कैसे, क्या हादसा हुआ है? ये एक टायर जो है मूर्ति के ढेर पर फान गया, टाली पड़ गई। अच्छा अच्छा, लगभग कितने लोग घायल हुए जानकारी है क्या? 10 लोग। अच्छा, एक लोग की जान चली गई। अच्छा अच्छा।